हेलो एवरीवन, ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप नेक्स्ट ईयर नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं एनसीईआरटी के द्वारा। ये हम सभी लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी बुक्स बहुत ही वैल्यूएबल होती हैं किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि इस बार जो न्यू एडिशन आया है उसमें एनसीईआरटी ने कई सारे चेंजेज किए हैं, या ये कह लीजिए कि अपने मिस्टेक्स को करेक्ट किया है। तो वो जो मिस्टेक्स या चेंजेज हैं वही हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। इसके ऊपर कई सारे वीडियोस अपलोड हैं पहले से यूट्यूब पे, बट ये जो वीडियो है ये आपको सबसे अलग लगेगा। उसका कारण ये है कि हमने 3 दिन तक लगातार दोनों ही बुक्स को न्यू और ओल्ड मैच कराया है, और एक एक पेज पे जो जो चेंजेज हुए हैं या मिस्टेक्स हैं उसको हमने इंडिकेट किया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो प्रिपरेशन में। अगर आप न्यू बुक्स नहीं लेना चाहते तो आपके लिए एक बेनिफिट ये है कि आप स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस का पूरा वीडियो ही डाउनलोड कर लीजिए, और जब भी आपको काम लगे आप उसे उठा करके देख सकते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो हमने 3 दिन में बनाया है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, और सपोर्ट में आपको लाइक करना है वीडियो को। लाइक जो है 1000 का टारगेट रखते हैं हम लोग। इसके अलावा जिन जिन स्टूडेंट्स को आपके फ्रेंड्स को नहीं पता हो उनको भी शेयर कर दीजिएगा कि ये मिस्टेक्स या चेंजेज हुए हैं एनसीईआरटी में, और इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस और मैं शुभम तिवारी। सबसे पहले क्लास 11th, इसमें ज़्यादा चेंजेज हुए हैं। चैप्टर 2 पेज नंबर 17 पूरा एक पैराग्राफ ही ऐड किया गया है, आप देखिए। इसके बाद पेज नंबर 21, उसमें डीनोफ्लेजिलेट्स और स्लाइम मोल्ड का फिगर ऐड किया गया है। पेज नंबर 22, स्पोरोजोवंस की कुछ लाइंस चेंज हुई हैं। पेज नंबर 24, इसमें लिखा है मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड बफेल्स, लेकिन होना चाहिए ट्रफेल्स, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद पेज नंबर 25, नीचे की तरफ आप देखिए, यहाँ लिखा गया है कंसीडर्ड ट्रूली लिविंग, इसके पहले कंसीडर्ड वर्ड नहीं यूज हुआ था। फिर पेज नंबर 27, एक नई हेडिंग आ गई है प्रियॉन्स, जो कि पहले नहीं थी, वायरॉइड्स और लाइकेंस के बीच में। इसके बाद चैप्टर 3 प्लांट किंगडम में जो बीच में पैरा है उसकी लास्ट लाइन में अंडर प्लांटी ये वर्ड यूज हुआ है। पेज 30 पे देखिए, जहाँ पर पहले क्लेमाइडो मोनास वर्ड यूज हुआ था वहाँ अब यूडोराइना लिखा गया है, तो इसे आप करेक्ट करेंगे। पेज 31 में यूलोथ्रिक्स को ऐड किया गया है अदर फिगर्स को हटा करके। पेज 32 में जहाँ पर क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी लिखा है उसके ऊपर जहाँ क्लोरेला वाली लाइन है वहाँ पर पहले स्पायरुलाइना भी था, उसे हटा दिया गया है। इसके बाद पेज नंबर 40 में जो एंजियोस्पर्म्स की हेडिंग है वहाँ एम्ब्रियो सैक के लिए कुछ लाइंस चेंज करी गई हैं। पेज नंबर 42 के 2 और 3 पॉइंट्स जो हैं उनकी लाइंस में भी काफ़ी चेंजिंग की गई है। अगर आपको एक एक लाइन पढ़नी है तो आप वीडियो को पॉज करके देखते रहिएगा। इसके बाद पेज नंबर 49 में जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें सिमेट्री और बॉडी कैविटी जो वर्ड है उसके नीचे मोस्टली ए सिमेट्रिकल और ए सिलोमेट वर्ड नहीं लिखा गया था, बट अब है। पेज नंबर 53 में बैलेंसिंग ऑर्गन जहाँ लिखा गया है वहाँ पर पहले बैलेंस ऑर्गन लिखा गया था। पेज नंबर 54 पे जो बैलेनोग्लॉसस है उसमें नॉमन क्लेचर नहीं था और हेमिकॉर्डेटा में कुछ लाइनें मिसिंग थी। इसके बाद पेज नंबर 69, 70 एंड 71 में जो फिगर्स हैं उनके नॉमन क्लेचर नहीं किए गए थे, लेकिन न्यू बुक में हैं। फिर पेज नंबर 79 देखिए, कैलिक्स का जब कैरेक्टर आप देखेंगे तो वहाँ पर इम्ब्रिकेट या वेलवेट एस्टिवेशन लिखा है, लेकिन इसके पहले केवल इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन लिखा गया था, और फिगर में भी केवल वेलवेट एस्टिवेशन ही प्रिंटेड है।
पेज नंबर 81 में देखिएगा, नए फिगर्स ऐड किए गए हैं और जो फ्लोरल डायग्राम है उसमें भी चेंजिंग आई है पहले से, क्योंकि वो इनकरेक्ट था। फिर पेज नंबर 90 कंजॉइंट के नीचे आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है जॉइंटली सिचुएटेड, लेकिन इसके पहले जॉइंटली वर्ड यूज़ नहीं किया गया था। इसके बाद पेज नंबर 108 जहाँ पर सेगमेंट्स की बात हो रही है, वहाँ आप देखें इसके पहले की प्रिंटिंग में लिखा है 26 to 35, लेकिन अब उसे सही किया गया है और वो है 23rd to 25th सेगमेंट। पेज नंबर 109 में जो ऊपर का फिगर है उसमें सब न्यूरल वेसल का इंडिकेशन गलत था, लेकिन अब सही हो चुका है। पेज नंबर 110 में ओविडक्ट को पहले इंडिकेट नहीं किया गया था। इसके अलावा जो स्पर्मी ड्यूकल फनेल्स हैं उनको भी गलत इंडिकेट किया गया था, लेकिन अब सही है। पेज नंबर 111 में 1/4 यूज होना चाहिए था काकरोच वाली हेडिंग में, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं है या 0 शो हो रहा है। पेज नंबर 116 फ्रॉक्स वाली हेडिंग में रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया गया है जो कि पहले नहीं था। इसके बाद यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के ऊपर जो फिगर आप देख रहे हैं ये भी न्यूली अपडेटेड हुआ है। फिर पेज नंबर 126 पर देखिएगा नीचे पहले सेंट्रियोल लिखा गया था, अब है सेंट्रोसोम। फिर पेज नंबर 128 यहाँ पर बैक्टीरिया के साथ पहले माइकोप्लाज्मा को भी रखा गया था, लेकिन अब लाइंस अपडेटेड हैं और लिखा गया है एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। उसी पेज पे नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो पहले वहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिखा गया था, लेकिन अब है सेलेक्टिवली परमिएबल। फिर पेज नंबर 131 सेल मेम्ब्रेन वाली हेडिंग में कुछ चेंजेज किए गए हैं, जैसे कि लिपिड लेयर को फॉस्फोलिपिड लेयर लिखा गया है, प्रोटीन लेयर को पेरिफेरल प्रोटीन लेयर लिखा गया है, और इसी तरह की चेंजिंग जो सेल मेम्ब्रेन हेडिंग है उसके अंदर जो लाइंस हैं उसमें भी हुई है। फिर पेज नंबर 135 जहां पर फ्लूड वर्ड यूज किया गया था पहले, अब वहां माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स या मैट्रिक्स वर्ड लिखा गया है। फिर पेज नंबर 136 में क्लोरोप्लास्ट की जो साइज थी वो mm में लिखी गई थी, लेकिन अब उसे चेंज कर दिया गया है। उसी तरह राइबोसोम हेडिंग में कोई फिगर नहीं था, लेकिन अब फिगर आ गया है। राइबोसोम हेडिंग में ही कुछ चेंजिंग भी हुई है, जैसे 70S और 80S राइबोसोम दो टाइप के इसके पहले लिखे गए थे, लेकिन अब उनकी सब यूनिट्स के बारे में भी लिखा गया है। इसके बाद पेज नंबर 139 काइनेटो कोर जहाँ लिखा गया है उसके नीचे एक न्यू लाइन ऐड करी गई है, सेंट्रोमियर होल्ड्स 2 क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम। इसके बाद पेज नंबर 149 जो ऊपर का पैरा है उसमें नीचे वाले वर्ड में लिखा गया था हेट्रोपॉलीमर्स, लेकिन अब उसे करेक्ट किया गया है और है होमोपॉलीमर्स। पेज नंबर 150 पे जो प्रोटीन स्ट्रक्चर था उसमें कुछ करेक्शन किए गए हैं और कुछ चेंजेज भी किए गए हैं। फिर पेज नंबर 151 जहां पर डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया गया है उसमें पहले दोनों ही स्ट्रैंड्स एक ही डायरेक्शन में थे, लेकिन अब उसे चेंज करा गया है। इसके बाद 163 पे भी सेल साइकिल का जो फिगर था वो नया लगाया गया है, पहले उसमें G0 वाला फेज इंक्लूड किया गया था जो अब निकाल करके बाहर कर दिया गया है। फिर पेज नंबर 164 जहां जहां पर प्रोफेज में माइटोसिस वर्ड यूज किया गया था वहां पर अब कैरियोकाइनेसिस वर्ड यूज किया गया है। इसके अलावा उसी पेज पे जो लास्ट वाला पॉइंट है वो भी चेंज कर दिया गया है। पेज नंबर 166 में भी कैरियोकाइनेसिस वर्ड यूज किया गया है माइटोसिस के जगह पे, और जो टीलोफेज का सेकेंड पॉइंट है उसमें भी कुछ चेंजिंग की गई है, आप देख लीजिए। पेज नंबर 167 में जो मियोसिस के पॉइंट्स हैं उसमें भी कुछ चेंजिंग की गई है। इसके अलावा पेज नंबर 168 में पैकिटीन के बाद उसमें चेंज किया गया है और कुछ अलग से भी ऐड किया गया है। फिर पेज नंबर 169 में एनाफेज सेकेंड जो है उसमें कुछ लाइंस ऐड की गई हैं। पेज नंबर 180 में जो फिगर है वहाँ पर पहले सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन था, अब सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है।
इसके अलावा उसी के साइड में जो जी वाला पॉइंट है वो भी नया ऐड किया गया है, पहले नहीं था। फिर पेज नंबर 182 में जो इम्बिबिशन वाला लाइन है उसमें नीचे एनॉर्मसली करके लिखा गया था, जो कि अब हटा दिया गया है। पेज नंबर 187 ट्रांसपिरेशन वाली हेडिंग में स्टोमा और स्टोमेटा से लेकर के कुछ लाइंस ऊपर नीचे की गई हैं। फिर पेज नंबर 189 में पहले कार्बन वर्ड यूज किया गया था, लेकिन अब उसे सही किया गया है और लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड मेकिंग सुगर। पेज नंबर 192 की जो समरी है उसमें भी सेमी परमेबल से अब सेलेक्टिवली परमेबल कर दिया गया है। फिर चैप्टर नंबर 12 मिनरल न्यूट्रिशन 194 पेज का लास्ट जो वर्ड है वहाँ पर सब्सिट्यूटेड वर्ड यूज किया गया है, जो कि पहले नहीं था। फिर अगर आप इसी लेसन में 190 पेज नंबर और 198 पेज नंबर देखेंगे तो वहाँ पर लाइंस में कुछ मिस्टेक है, जैसे कि एक जगह इमोबिलाइज्ड में कैल्शियम लिखा गया है और एक जगह पे सल्फर और कैल्शियम दोनों को लिखा गया है, तो ये आप करेक्ट कर लेंगे। फिर चैप्टर 13 पेज नंबर 206 फोटोसिंथेसिस का जो पहला पॉइंट है उसमें भी कुछ लाइंस ऐड की गई हैं। पेज नंबर 209 में चेंजिंग करके मैट्रिक्स स्ट्रोमा वर्ड यूज किया गया है। फिर पेज नंबर 212 स्प्लिटिंग ऑफ वाटर वाले हेडिंग में पहले H प्लस ओनली लिखा गया था, लेकिन अब 2H प्लस उसे कर दिया गया है। फिर है पेज नंबर 214, इसमें फिगर को अपडेट किया गया है, पहले ऐसा फिगर नहीं था। और नीचे की तरफ जो लास्ट लाइन आप देख रहे हैं वहाँ एक जगह लिखा गया है दैट लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ ATP, यहाँ पर पहले एनर्जी लिखा गया था जो अब चेंज किया गया है। पेज नंबर 215 में पहले F0, F1, F2 यूज होता था, लेकिन न्यू एडिशन में इनके सामने C भी लगा हुआ है। इसके बाद पेज नंबर 218 बंडल सीड सेल्स के जस्ट पहले, तो वहाँ पर पहले लिखा गया था C4 पाथवे प्लांट्स, लेकिन अब उसे किया गया है C4 प्लांट्स। फिर पेज नंबर 219 में जो फिगर था वो मिस था, गलत था, और उसे सही किया गया है। ट्रांसपोर्ट वाला वर्ड पहले नीचे की तरफ था, अब उसे ऊपर कर दिया गया है। फिर पेज नंबर 220 फोटो रेस्पिरेशन वाली हेडिंग में बीच में आप देखेंगे एक पूरी लाइन को ही चेंज करके नई लाइन लिखा गया है। फिर पेज नंबर 233 इसमें भी जो फिगर है वो नया है, पहले ऐसा फिगर इसमें नहीं बना हुआ था। पेज नंबर 234 यहाँ पर नीचे की तरफ पहले लिखा गया था नेट गेन ATP 36, लेकिन अब उसे अपडेट किया गया है 38 ATP। फिर चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें शुरू में ही कुछ लाइंस ऐड की गई हैं। फिर आ जाइए पेज नंबर 252, यहाँ सीड डॉर्मेंसी एक हेडिंग आप देख रहे हैं जो कि पहले वाले बुक में प्रिंटेड नहीं था। फिर फिजियोलॉजी चैप्टर 16 259 पेज पर जो फिगर आप देख रहे हैं स्टमक का, इसके बारे में पहले बॉडी वाला पार्ट लिखा भी नहीं गया था और इसमें इंडिकेट भी नहीं किया गया था, लेकिन अब दोनों है। इसी पेज में आप बीच में देखेंगे तो यहाँ पहले डोडेनम को यू शेप्ड लिखा गया था, लेकिन अब उसे सी शेप्ड कर दिया गया है। फिर पेज नंबर 261 का जो फिगर है इसमें पहले कॉमन हिपेटिक डक्ट नहीं इंडिकेट किया गया था, अब इंडिकेट किया गया है। पेज नंबर 264 पर कुछ लाइंस आई हैं कैलोरिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट के बारे में, और इसके अलावा कुछ चेंजिंग भी हुई है लाइंस में। फिर इसी लेसन में पेज नंबर 266 पर एक नया टॉपिक ऐड किया गया है PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जो कि पहले नहीं था। फिर चैप्टर 17 देखिए, नीचे की तरफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में जो लाइंस लिखी गई हैं वहाँ पर पहले ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन को इंडिकेट नहीं किया गया था, लेकिन अब है। फिर चैप्टर 18 देखिए, जो डबल सर्कुलेशन की हेडिंग है इसमें ऊपर की कुछ लाइंस ब्लड वेसल, ट्यूनिका इंटाइमा, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये सब पहले नहीं था, लेकिन अब इसे ऐड कर दिया गया है। फिर चैप्टर 19 पेज नंबर 294
जो हेनलेज लूप वाली हेडिंग है उसमें पहली लाइन पहले गलत लिखी गई थी, वहाँ पर हेनले लूप लिखा था, लेकिन अब है इन इट्स असेंडिंग लिम्ब। इसके बाद पेज नंबर 298, लंग्स वाला जो वर्क लिखा गया था वहाँ पर पहले 18 लीटर करके लिखा गया था, लेकिन अब उसे सही किया गया है अप्रॉक्सीमेटली 200 ml/min। और इसी में नीचे की तरफ जो किडनी के बारे में लिखा गया है उसमें भी कुछ लाइंस ऐड की गई हैं जो पहले नहीं थी। फिर है चैप्टर नंबर 20, पेज नंबर 303, यहाँ पर विसरल मसल की आप हेडिंग देख रहे हैं जो कि पहले नहीं था, अब ऐड किया गया है। फिर पेज नंबर 310, रिब्स एंड रिब्स केज का फिगर था वो अब चेंज करके नया डाल दिया गया है, पहले ऐसा नहीं था। फिर चैप्टर नंबर 21, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की जो हेडिंग है उसमें नीचे की तरफ विसरल नर्वस सिस्टम हेडिंग ऐड की गई है जो पहले नहीं थी। फिर पेज नंबर 321 में हिंड ब्रेन वाली हेडिंग में कुछ न्यू लाइंस ऐड की गई हैं जो पहले नहीं थी। फिर पेज नंबर 323 में सेंस ऑर्गन्स को ऐड किया गया है, ये एक न्यू टॉपिक है जो पहले की बुक्स में नहीं प्रिंटेड था। फिर है पेज नंबर 325, इसमें नीचे आप देखिए वैक्स सीबेसियस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स था जो कि अब वैक्स सेक्रेटिंग ग्लैंड कर दिया गया है। इसके बाद है लास्ट चैप्टर, इसमें पेज नंबर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, जो ओल्ड बुक्स हैं उसमें 332 है और जबकि न्यू बुक्स में 333 है, तो इसमें एक नया टॉपिक ऐड किया गया है एक्रोमिगैली का जो कि पहले की बुक्स में नहीं था। फिर ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग 333 पेज नंबर पर देखिएगा तो डायबिटीज इंसिपिडस करके एक नया टॉपिक ऐड किया गया है जो पहले नहीं था। और क्लास 11th में लास्ट चेंजिंग है एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर का जो कि पहले नहीं था, अब इंक्लूड किया गया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्लास 12th की तरफ। क्लास 12th में 11th से कम चेंजिंग हुई है लेकिन देखना तो पड़ेगा ही आपको। सबसे पहले पेज नंबर 6 में कुछ एक्स्ट्रा लाइंस ऐड करी गई हैं। इसके बाद पेज नंबर 8 इसमें भी फ्रेगमेंटेशन लाइंस ऐड करी गई हैं। फिर पेज नंबर 20 में जो फिगर है उसमें नेक्टरी फेरस एरिया और ओव्यूल पहले शो किया गया था और अब उसे हटा दिया गया है। फिर पेज नंबर 51 इसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन हेडिंग करके एक नया टॉपिक येलो कलर से ऐड किया गया है। इसके बाद पेज नंबर 54 यहाँ पर जो 24 वीक्स वाली लाइन लिखी गई है उसमें कुछ मिस्टेक्स थी जो अब सही कर दिया गया है। पेज नंबर 58 इसमें एमनियोसेंटेसिस के बाद की जो लाइंस हैं उसमें कुछ चेंजिंग की गई है। फिर पेज नंबर 62 इसमें बगल में एक अमेंडमेंट एक्ट करके नया पैराग्राफ ऐड किया गया है। फिर पेज नंबर 63 पर देखिए जहां पर एसटीडी लिखा गया था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, अब उसे चेंज करके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कर दिया गया है। पेज नंबर 70 पर नीचे की तरफ देखिएगा जहां पर स्मूथ वर्ड यूज किया गया था वहां पर अब इन्फ्लेटेड या फुल वर्ड यूज किया गया है। फिर पेज नंबर 85 दो नई हेडिंग्स यूज की गई हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉपी। फिर है पेज नंबर 86 ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग और पेज नंबर 87 न्यू बुक के अकॉर्डिंग, इस पर सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी ये ऐड किया गया है। फिर है पेज नंबर 87 पेडिग्री का फिगर जो कि नीचे था उसे अब बगल में ऐड कर दिया गया है। और फिर पेज नंबर 88 पे कलर ब्लाइंडनेस एक नया टॉपिक ऐड किया गया है। फिर ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग पेज नंबर 90 इसमें भी एक नया टॉपिक ऐड किया गया है थैलेसेमिया। फिर पेज नंबर 96 देखिएगा, इसके पहले यहाँ पर केवल पेंटोस शुगर लिखा गया था लेकिन अब उसे चेंज करके लिखा गया है टू द OH-1'C पेंटोस शुगर। फिर है पेज नंबर 106 इसमें रेप्लिकेशन का टाइम पहले 38 मिनट्स लिखा गया था लेकिन अब उसे 18 मिनट्स कर दिया गया है। फिर है पेज नंबर 112 यहाँ पर जेनेटिक कोड के जो पॉइंट्स हैं उसमें से एक पॉइंट को डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और जेनेटिक कोड में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर GIN लिखा गया था उसे अब सही करके GLN कर दिया गया है। इसके बाद पेज नंबर 114 ऊपर की कुछ लाइंस में चेंजिंग की गई है, प्लस जो tRNA का फिगर था वो अब बदल दिया गया है और पहले से बेहतर भी लग रहा है।
इसके बाद पेज नंबर 129 देखिएगा, इसमें एक हेडिंग है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, ये नया ऐड किया गया है, पहले नहीं था। फिर है पेज नंबर 158, मॉर्फीन का जो स्ट्रक्चर है उसे अब चेंज कर दिया गया है। फिर उसी के बाद 159, उसमें एक लाइन लिखी गई थी एलएसडी को इंक्लूड करके, तो एलएसडी वर्ड वहाँ पर गलत था इसलिए उसे अब हटा दिया गया है। फिर है पेज नंबर 162, इसमें एड्स और हेपेटाइटिस बी दोनों के लिए अलग अलग लाइंस पहले लिखी गई थी, लेकिन अब दोनों को एक करके लिखा गया है, बॉथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड, अब उसे सही कर दिया गया है। फिर है पेज नंबर 176, इसमें जो कुछ नीचे वाली लाइंस हैं उन्हें अब हटा दिया गया है। फिर पेज नंबर 177 देखिए, नीचे की तरफ पहले लिखा गया था कि टोमेटो और पोटैटो का जब क्रॉस कराया जाएगा तो टोमेटो बनेगा, लेकिन न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग इसे चेंज कर दिया गया है और लिखा गया है पोमेटो। फिर पेज नंबर 194, इसमें एक नई हेडिंग यूज की गई है जो पहले नहीं थी, और हेडिंग है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। फिर है पेज नंबर 195, यहाँ नीचे की तरफ एक मिसप्रिंट हुआ है, इसमें लिखा गया है जीन्स, जो कि होना चाहिए था जीनस, और नई प्रिंटिंग में न्यू एडिशन की बुक में उसे जीनस कर दिया गया है। फिर पेज नंबर 211 देखिएगा, इसमें जो फिगर बनाया गया है वहाँ कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा गलत हो गया, पेप्टाइड का कलर हमेशा ब्लू होना चाहिए और इंसुलिन का ग्रीन, तो वो उल्टा हो गया था जिसे अब सही कर लिया गया है। पेज नंबर 221 देखिए, इसमें नीस के बारे में कुछ लाइंस ऐड की गई हैं जो कि पहले नहीं थी। फिर पेज नंबर 222 देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है 100%, लेकिन यहाँ होना क्या चाहिए, ओनली 100, मतलब वो परसेंट वर्ड नहीं रहेगा। फिर है पेज नंबर 245, इसमें फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया दोनों को एक जैसा बता दिया गया था, लेकिन बाद में इसे सही किया गया और केवल फोटोसिंथेटिक वर्ड यूज किया गया है, कीमोसिंथेटिक हटा दिया गया है। पेज नंबर 251, जो प्राइमरी सक्सेशन करके लाइन शुरू हो रही है, इसमें भी कुछ चेंजिंग की गई है। फिर है पेज नंबर 253, इसमें जो फिगर बना है उसमें बर्निंग फॉरेस्ट का जो एरो था वो उल्टा था, अब उसे सही डायरेक्शन में कर दिया गया है। फिर है पेज नंबर 272, एक नई हेडिंग, एक नया टॉपिक ऐड किया गया है, एयर एक्ट। पेज नंबर 273, इसमें भी एक नया कॉलम ऐड किया गया है आपकी जानकारी के लिए। फिर है पेज नंबर 275, बीओडी के बारे में जहां जानकारी लिखी गई है उसके ऊपर बायोडिग्रेडेबल वर्ड यूज नहीं किया गया था, लेकिन अब उसे यूज किया गया है। फिर पेज नंबर 276 देखिएगा, फिगर में PPM कर दिया गया है नीचे की तरफ, लेकिन वो होना क्या चाहिए, PPB, यानी पार्ट्स पर बिलियन, न कि मिलियन, तो उसे अब सही कर दिया गया है। पेज नंबर 278, इसमें ऊपर की तरफ जो लाइंस है वहां पर कंप्लीटली वर्ड यूज नहीं किया गया था, लेकिन अब उसे यूज किया गया है। लास्ट में है 279 पेज नंबर, यहाँ पर ऐड तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन चेंजिंग हुई है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट का जो टॉपिक था उसे सॉलिड वेस्ट में जोड़ दिया गया है, जबकि इसके पहले वो नीचे की तरफ था। तो ये थी चेंजिंग, हमने 3 दिन लगातार हार्ड वर्क करा और 11th और 12th की बुक्स में ये चेंजेज और मिस्टेक्स देखा जो आपको बताना जरूरी समझा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई मिस्टेक रह गई है तो आप नीचे कमेंट करें, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, इससे हमें ATP मिलती है। फ्रेंड्स को शेयर करिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा वीडियो है और काफ़ी हार्ड वर्क से बनाया गया है, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। थैंक यू।